अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, यू आर वाचिंग कंसेप्चुअल लर्निंग विद नासिर अब्बासी। डियर व्यूअर्स, आई केम ऑन माय यूट्यूब चैनल आफ्टर वे लॉन्ग टाइम। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नो दैट आई वाज बिजी एंड टेकिंग क्लासेस ऑन नून एकेडमी व्हिच इज़ ऑनलाइन एकेडमी, एंड इंशाल्लाह सून आई विल अपलोड अ डिटेल्ड वीडियो अबाउट माय नून एकेडमी। Today I am going to discuss the upcoming tests of school leaders। बहुत से students और viewers मुझसे पूछ रहे थे कि जो school leaders का test होने जा रहा है, क्योंकि ये February में ये test announce हुआ था और उसके बाद आज जाके जुलाई जून में इसकी इन्होंने numbers, roll numbers ईटा वालों ने upload किए हैं। तो नंबर्स अपलोड होते ही काफ़ी स्टूडेंट्स ने और व्यूअर्स ने पूछा है कि इसमें कोर्स कंटेंट क्या है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है। तो इसी वाले से मैं मुख्तसर सी वीडियो में आज आपको ये सब कुछ क्लियर करने जा रहा हूं। और मैं ये भी बताता चलूं बेटा, जैसा कि आप सबके इलम में है कि मैं जॉब्स के हवाले से 4-5 ग्रुप्स व्हाट्सएप के चला रहा हूँ, तो उसमें वो से बच्चे पूछते रहते हैं कि ये और पार्टिसिपेंट्स और मेंबर्स पूछते हैं कि इसका टेस्ट क्या होगा, कोर्स कंटेंट क्या है। तो ये सारी बातें इंशाल्लाह मैं इस वाले से बता रहा हूँ और जो आपके लिए मुझे यकीन है कि बहुत बेनिफिशियल होगा और फ्रूटफुल होगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से। जैसा कि आपकी स्क्रीन में के सामने मौजूद है, ये जो जब इन्होंने टेस्ट अनाउंस किया था फरवरी के अंदर, तो उसमें उन्होंने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी बताए थे। तो सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर लूं कि ये जो पोस्ट है स्कूल लीडर्स की, इसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो मास्टर है, यानी यू शुड बी मास्टर ऑफ एनी सब्जेक्ट, ये तो मस्ट है इसमें, ठीक है। यानी बीए बीएससी रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी, बल्कि एमए एमएससी रिक्वायरमेंट है। हाँ, बीएस वाले 4 ईयर प्रोग्राम वाले इसके लिए एलिजिबल हैं, एक बात तो ये। दूसरा, ये 16 ग्रेड की पोस्ट है। तीसरी, एडॉक बेसिस है, खैर वो एडॉक ही होते हैं, ठीक है, 3 ईयर्स कॉन्ट्रैक्ट बेस है, ठीक है। और अब जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, मैं इसको डिस्कस करने जा रहा हूँ बेटा। इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि आपके इसमें मैट्रिक के मार्क्स जो हैं, वो जितने मार्क्स होंगे, मार्क्स ऑब्टेंड, यानी आपके जितने मार्क्स अपने मैट्रिक में ऑब्टेंड किए हुए हैं, उसको आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे और टोटल पे डिवाइड कर दोगे, ठीक है। एफएफएससी में इसमें इन्होंने थोड़ा चेंज किया है, इसमें इन्होंने 10 मार्क्स रखे हैं एफएफएससी के, मीन आपके जितने मार्क्स हैं, लेट्स सपोज 800 मार्क्स हैं, तो आप उसको 10 पे के साथ मल्टीप्लाई करोगे और जो टोटल मार्क्स आपके एफएफएससी के हैं उस पर डिवाइड कर दोगे। आगे मैंने एग्जाम्पल 20 की दी है, लेकिन पहले मैं आपको इसी स्क्रीन से ही क्लियर कर रहा हूँ। बी ए बी एस सी, जिस बंदे ने किया हुआ है बी ए या बी एस सी, तो उसके मार्क्स ऑब्टेन मल्टीप्लाई बाय 10 बाय टोटल। और अगर एक बंदा ने बीएस किया हुआ है, तो इसमें याद रखिएगा बीएस 4 ईयर प्रोग्राम, ठीक है, तो उसके टोटल मार्क्स इसमें काउंट होंगे, ठीक है, और वो मल्टीप्लाई बाय 25 होगा, जैसा कि इसमें क्लियर है। यानी बीए बीएससी उसने नहीं किया हुआ बल्कि बीएस किया हुआ है, तो लेट्स सपोज उसके 3300 मार्क्स हैं और उसके 3300 मार्क्स को 25 से मल्टीप्लाई किया जाएगा और टोटल मार्क्स लेट्स सपोज 4800 हैं, तो 4800 पे डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। और एमए एमएससी, अगर वो बीएस नहीं है तो जाहिर बात है उसने बीए के बाद एमए एमएससी क्या होगा, बीएससी एमएससी, ठीक है, तो अगर वो 2 ईयर प्रोग्राम वाला एमए एमएससी वाला है, तो उसके याद रखिएगा टोटल मार्क्स को 15 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, ठीक है, और टोटल मार्क्स पर डिवाइड कर दिया जाएगा, तो इस तरह उसको अपने जो रिक्वायर्ड मार्क्स हैं वो हासिल हो जाएंगे। बाकी रहा बीएड और एमएड, ये भी इसमें एक ज़बरदस्त बात है कि इन्होंने एकेडमिक जो मार्क्स हैं उसमें बीएड और एमएड को अलग अलग काउंट किया है, मीन अगर बीएड किया हो तो उसके अलग 5 मार्क्स हैं और एमएड किया हो तो उसके भी अलग 5 मार्क्स हैं, वही 5 मार्क्स मल्टीप्लाई बाई मार्क्स ऑब्टेंड डिवाइड बाई टोटल। इसमें टोटल मार्क्स आपको ये भी बताना भूल गया, इसमें टोटल मार्क्स 150 हैं। 100 मार्क्स तो जो आपके हैं बेटा वो तो ईटा में जो आपका टेस्ट होगा, ठीक है, उस 100 मार्क्स वो हैं और 50 मार्क्स आपके एकेडमिक्स हैं, जिसकी डिटेल मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो बीएड और एमएड ये अलग अलग हैं, ठीक है जी। और अगर एक बंदे ने एमए एजुकेशन किया, उसने बीएड एमएड नहीं किया हुआ, तो उसके मल्टीप्लाई बाय 10 होंगे, क्योंकि एमए एजुकेशन बीएड और एमएड दोनों के बराबर है। तो लिहाजा अगर एक बंदे ने एमए मास्टर भी किया हुआ है किसी और सब्जेक्ट में और साथ एमए एजुकेशन किया हुआ है, तो उसके मास्टर ऑफ एजुकेशन के मार्क्स जो होंगे उसको 10 से मल्टीप्लाई किया जाएगा और टोटल पे डिवाइड कर दिया जाएगा। इसमें एक बात जहन रहे कि एक बंदे ने बीए बीएससी के बाद एमए एजुकेशन कर लिया है, किसी और सब्जेक्ट में मास्टर नहीं किया हुआ, तो फिर उसके ये सिर्फ 10 मार्क्स काउंट होंगे, 20 मार्क्स काउंट नहीं होंगे। यानी ये नहीं कि एमए में एमए और एमएससी के अलग और एमए एजुकेशन के, नहीं,
अगर बीए बीएससी के बाद मास्टर्स ने किसी सब्जेक्ट में किया हुआ है, लेट्स सपोज उर्दू में, इस्लामियात में, इंग्लिश में, ठीक है बेटा, तो उसको काउंट किया जाएगा प्लस एमए एजुकेशन को बीएड और एमएड के को लिया जाएगा। लेकिन एक बंदे ने बीएससी के बाद सिर्फ एमए एजुकेशन किया हुआ है, ठीक है, तो फिर इसके एमए एजुकेशन को ही एज अ होल 10 काउंट किया जाएगा। ये एलिजिबल तो हो जाएगा लेकिन इसके 20 मार्क्स काउंट नहीं होंगे, बीएड एमएड वाले मार्क्स फिर इसके उसमें नहीं आएंगे, ठीक है, समझा की बात। अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल शो कर रहा हूँ जिससे आपको इंशाल्लाह बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किस तरह आपके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जैसा कि आपके सामने स्क्रीन में मौजूद है कि देखें, अगर एक बंदे ने एसएससी में मैट्रिक में, ठीक है, 700 मार्क्स लिए तो वो उसको करेगा 5 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देगा 1050 के साथ, जैसा कि इसके बाद 3.33 आ गया। ऐसे ही एफएफएससी में उसने अगर 800 मार्क्स दिए हुए हैं तो उसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है भाई, 5 के साथ नहीं करना, 10 के साथ करना है, और 11 पर डिवाइड कर देगा तो 7.27 आ जाएगा। अगर एक बंदे ने बीए बीएससी किया हुआ है तो फिर वो 350 लेट्स सपोज उसके मार्क्स हैं, मल्टीप्लाई बाय 10 के साथ करेगा कि और डिवाइड बाय टोटल 550 पर डिवाइड कर देगा जो कि 6.36 आ रहा है, ठीक है। और अगर एक बंदे ने बीए बीएससी नहीं किया हुआ बल्कि उसने एफएफएससी के बाद बीएस किया हुआ है तो फिर उसके 3300 मार्क्स काउंट होंगे, मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइड बाय 4800। ये मैंने दिमाग में ओआर इसलिए लिखा है कि अगर बीए बीएससी है तो उसके ज़ाहिर बात है मैट्रिक प्लस एफएफएससी प्लस बीएससी प्लस एमएससी प्लस बीएड और एमएड काउंट होंगे, और अगर वो बीएस वाला है तो मैट्रिक प्लस एफएफएससी प्लस बीएस और फिर ज़्यादा तो वो तो मास्टर नहीं है, प्लस बीएड या एमएड हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये तरतीब होगी, तो इसमें मैंने ये बताया है कि ये बीएस के उसके मार्क्स हो जाएंगे, एमएमएससी के 15 के साथ करना याद रखिएगा, यानी टोटल मार्क्स लेट्स सपोज 1050 है जैसे कि आपको नजर आ रहा है और 1500 के 15 के साथ मल्टीप्लाई करेगा और 1100 पर डिवाइड कर देगा जो कि 10.22 आ रहा है, ठीक है। इसी तरह बीएड के मार्क्स लेट्स सपोज उसके 800 हैं, ठीक है, उसको 5 से मल्टीप्लाई करेगा और टोटल लेट्स सपोज 1100 है तो उस पर डिवाइड कर देगा, और एमएड भी उसने किया हुआ है लेट्स सपोज, तो अगर बंदा एमएड नहीं किया उसे बीएड किया उसके सिर्फ बीएड के अकाउंट होंगे, ज़्यादा एमएड के अकाउंट नहीं होंगे, ठीक है। तो एमएड भी किया हुआ लेट्स सपोज तो फिर 850 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई 1200, ठीक है। कोई बंदा कह रहा है मेरा कंटिन्यू है जी, तो कंटिन्यू इसमें अकाउंट नहीं होगा, ठीक है, मुकम्मल उसके पास लास्ट डीएमसी होनी चाहिए, बाद में डिग्री के लिए भी उसको अप्लाई करना मस्ट होगा, ठीक है। और अगर उसने बीएड एमएड नहीं किया हुआ सिर्फ एम एजुकेशन किया हुआ है तो एम एजुकेशन में देखें 850 उसके मार्क्स हैं, लेट्स सपोज उसको 10 से मल्टीप्लाई करेगा और लेट्स सपोज 12 टोटल मार्क्स 1200 हैं तो 1200 पर डिवाइड कर देगा, 1100 तो 1100 कर देगा, ठीक है जी। तो ये आपके पास 7.08 आ गया। तो अब ये देखें नेक्स्ट पेज पर आप इसकी डिटेल देख लें कि अब अगर उस जो टोटल करेगा इन केस ऑफ बीए बीएससी, ठीक है, तो वो एसएससी के मार्क्स, एफएफएससी के मार्क्स, बीए बीएससी के मार्क्स, एमएमएससी के मार्क्स और अगर बीएड और एमएड बी किया हुआ है तो उनके मार्क्स ऐड करेगा, उसके टोटल एग्रीगेट आउट ऑफ 34.35 बन जाएगा, ठीक है। और साथ ईटा के टेस्ट तो काउंट होंगे, 100 में से जितने मार्क्स वो ले पाता है, ठीक है, वो कोर्स कंटेंट में आपको बताता हूँ, ठीक है। इन केस ऑफ बीएस, अगर उसने बीएस किया हुआ है तो फिर वो एसएससी एफएससी बीएस और अगर बीएड और एमएड बी किया हुआ है तो साथ वो भी कर देगा ऐड, नहीं किया होगा तो नहीं करेगा, ज़ाहिर बात है, ठीक है। तो इन सबको जब वो ऐड करेगा तो उसके पास 34.95 एग्रीगेट बन जाएगा। और अगर एक बंदे ने एसएससी एफए बीए वगैरह किया हुआ है और बाद में उसने एमए एजुकेशन एमए भी किसी सब्जेक्ट में किया हुआ है, ठीक है, इस्लामियात में किया हुआ है, उर्दू में किया हुआ है, किसी और सब्जेक्ट में किया हुआ है और साथ उसने एमए एजुकेशन बी किया हुआ है, यानी दोनों मास्टर्स हैं, एमए एजुकेशन वाला भी और एमए वाला भी, तो इसके 10.22 और 7.04 दोनों काउंट होंगे और 34.22 उसका एग्रीगेट बन जाएगा। लेकिन उसने बी के बाद सिर्फ एमए एजुकेशन किया हुआ है तो फिर ये एमए जो अदर है, एमए मतलब किसी और सब्जेक्ट में नहीं किया हुआ तो सिर्फ 7.04 काउंट होंगे, इस बात को जहन में रखिएगा, ठीक है जी। तो ये बात आपके जहन में होनी चाहिए। तो ये तो थी आपकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो मैंने आपको डिटेल से बता दी। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट बात पर जो कोर्स कंटेंट है। तो कोर्स कंटेंट के हवाले से मैं आप जितने भी मेरे, मैंने आपको पहले भी कहा कि मेरे ग्रुप मैंने बनाए हुए हैं, चार पांच ग्रुप से मेरे 4 मेल के हैं, 1 फीमेल के, जॉब्स के हवाले से, टेस्ट इन्फॉर्मेशन के हवाले से, उसमें मैंने आपको बुक जो है वो सेंड कर दी है, ठीक है। फिर भी अगर किसी को बुक चाहिए हुई है तो वो मुझे मैंने ये नंबर शो हो रहा है आपको, ठीक है, तो वो बुक की डिमांड मुझसे कर सकते हैं, मेरे पास स्कूल लीडर के हवाले से बुक मौजूद है। ईटा वालों ने स्कूल लीडर्स बीपीएस 16 के लिए कोर्स कंटेंट शेयर किया है 100 मार्क्स का, जो आपका पेपर है जो टेस्ट होगा उसमें उन्होंने बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स इनको और मैथमेटिक्स, बल्कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स इनके 5% मार्क्स, ठीक है, और मैथमेटिक्स के 7% मार्क्स, इंग्लिश 10%, पाक स्टडी, इस्लामियात, उर्दू 5%
और लीडरशिप मैनेजमेंट एंड स्किल्स टीचिंग अप्रोच क्लासरूम असेसमेंट, ठीक है, ये सब एट प्लस 15 मार्क्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बीएड और एमएड को बजाय टच किया गया है, एनालिटिकल स्किल्स हैं, इंटेलिजेंट क्वेश्चन है, ये भी ज़्यादातर बीएड एमएड के कोर्सेज हैं, और ये भी 10 और 15। तो आप खुद नोट कर लें 10, 15, 15, 30, 40 और तकरीबन 48 मार्क्स आपके बीएड एमएड कोर्स को टच कर रहे हैं। तो तभी मैंने आपको शुरू में कहा था कि यहाँ बीएड एमएड को ज़्यादा टच किया गया है, ठीक है। और आईक्यू भी मैंने इसी में तब कहा है कि ज़्यादा बताए बीएड एमएड में ये चीज़ आती है, लेकिन आईक्यू से बेटा इसके अलावा इंटेलिजेंट क्वेश्चन इसके अलावा भी हो सकता है, बीएड एमएड कोर्स के अलावा भी, ठीक है, वो भी ज़्यादा मैथ्स को टच करते हैं। आपको पता है जिस बंदे की मैथ्स स्ट्रांग हो तो आईक्यू को अच्छे से सॉल्व कर सकता है, ठीक है। और मैथ्स के वाले से मैंने आपको बताया हुआ कि मेरी बहुत सी बेसिक कंसेप्ट मुश्तमिल मौजूद हैं इसी यूट्यूब चैनल पर, वीडियोस आप देख सकते हैं। बाकी जनरल नॉलेज जो है वो आपका 5% है। तो ये है वो आपका कोर्स सिलेबस जिसके अकॉर्डिंग आपके 100 मार्क्स का टेस्ट होगा। अच्छा जी, और ये जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ्स लिखा हुआ है, ये सारा कोर्स कॉन्टेंट्स इंग्लिश उर्दू इस्लामियात, ये ज़्यादातर जो कवर करेगा 8th to FSC वाला कोर्स, यानी आपने जो टच देना है 8th to FSC कोर्स को टच देना है। और वैसे भी जितने भी टेस्ट्स होते हैं, मैंने आपको बारहा बताया है बेटा, इसमें जो बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल होते हैं। जिस बंदे के बेसिक कंसेप्ट जितने स्ट्रांग हैं वो उतना ही अच्छा पेपर डिलीवर कर सकता है, उतनी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, उतनी अच्छे उसके मार्क्स आ सकते हैं जब उसके बेसिक कंसेप्ट होंगे। और बेसिक कंसेप्ट कहाँ हैं, ये 8th to FSC के कोर्स में मौजूद हैं, 8th to FSC के कोर्स में मौजूद हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली मैंने आपको कहा कि ये लेक्चरर के टेस्ट हुए हैं, हाँ जी, मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स के, उसमें मैथमेटिक्स के हवाले से मैं बात करूँ, उसके अंदर 14 ऑब्जेक्टिव जो थी वो 8th to 10th लेवल की थी, 8th to 10th, यानी 8th, 9th, 10th की मैथमेटिक्स से, जैसे रेशो के क्वेश्चन हैं, प्रोपोर्शन के क्वेश्चन हैं, मिक्स प्रोपोर्शन है, परसेंटेज है, फैक्टराइजेशन से मुतल्लिक, अब कितनी, और ये रिमाइंडर थ्योरम्स हैं, ये ज़्यादा 9th की बुक में, तो ये चीज़ें 14 ऑब्जेक्टिव वहाँ से उन्होंने उठा के दिए हैं। तो क्यों, क्योंकि उनका ताल्लुक बेसिक कंसेप्ट्स के साथ है। इसलिए कोई भी टेस्ट आपने देना हो उसमें सबसे पहले जो आपने बेसिक टच देना होता है वो 8th to FSC के सिलेबस को देना होता है, और ये तो है ही 8th to FSC की, तो लिहाजा मैं आपको एक बार फिर कहूँगा कि आपने ज़्यादा टच इसको देना है, बाकी आप हाई लेवल भी जा सकते हैं लेकिन इस चीज़ को आपने ज़्यादा टच देना है, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको तफसील सारी बातें बता दी हैं, कोर्स कॉन्टेंट के हवाले से बता दिया, पोस्ट की जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, अक्सर लोगों को इस तरीका नहीं आता, आज डिटेल से बता दिया है। मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू माई डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़।